हमने अपने दर्शकों को लगातार बताई है कि ईवीएम को लेकर बख्शीश सिंह विर्क का एक बड़ा बयान सामने आया, एक वीडियो उनका वायरल हुआ और इस वीडियो में वो साफ साफ कह रहे हैं कि पहले से सेट है ईवीएम, इस तरह का इशारा वो कर रहे हैं इस पूरे वीडियो के दौरान। हम आपको सुनाते हैं पहले वो बयान की क्या कुछ कहना है बख्शीश सिंह विर्क का। पांच स्किल की गलती जी है ना, वो पांच साल भुगतनी पवेगी। जिस बंदे ने जिथे वोट पानी है ना, सानू वो भी पता लग जाना है कि केड़े बंदे ने किथे वोट पाई। ये भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, अभी जान के दस दे। अगर कोई पूछेगा ना, आप दस भी देंगे भी किथे वोट पाई। क्योंकि मोदी जी की नजर बड़ी तेज ने, मनोहर लाल जी नजर बड़ी तेज ने, अंदर वोट जितने मर्जी पा लीजिए निकल नहीं पाती। बटन जिना मर्जी दबा लो निकलना फुल दी, मशीन पुर्जा फिट किया हो। जी हां, तो आपने बयान सुना कि पांच सेकंड की गलती आपको पांच साल भुगतनी पड़ेगी, जिसने जहां वोट देनी है मुझे वो भी पता लग जाएगा और किस बंदे ने कहां वोट दिया ये सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो ये भी बता दूंगा कि किस बंदे ने कहां पर वोट डाला है, ये सब कुछ बयान में अपने बोल रहे हैं बख्शीश सिंह विर्क। अगर कोई पूछेगा ना तो मैं बता भी दूंगा कि कहां वोट दिया। सुनिए, ये आपके भावी नेता हैं जो इस तरह का बयान जो है लोकतंत्र के इस महापर्व के ठीक एक दिन पहले दे रहे हैं। अब बख्शीश सिंह विर्क का बयान भी सामने आया है, कह रहे हैं वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है ये बयान अब बख्शीश सिंह विर्क का। दरअसल बख्शीश सिंह विर्क ने ईवीएम में पुर्जा फिट होने की बात कही थी और कहा कि कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी को ही वोट जाएगा और इसी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और अब देखिए सफाई भी दी गई है बख्शीश सिंह विर्क की, सामने आई है ये सफाई जिसमें कह रहे हैं कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब इस पर क्या वो जवाब दें, अब इस पर उनका यही कहना है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब क्या सफाई उन्होंने अपने बयान में दी है जरा वो भी सुन लीजिए। झूठी वीडियो वायरल की है और उसने उस वीडियो को तोड़ मरोड़ के उसने वायरल करने का काम किया है। मैं अपना इलेक्शन कमीशन का सम्मान करता हूं और पीछे भी करता रहा हूं और आगे भी मैं इलेक्शन कमीशन का सम्मान करूंगा। और जिस पत्रकार ने ये तोड़ मरोड़ के ये मेरी वीडियो वायरल की है वो झूठी है, मैं बिल्कुल ईमानदार से ये बात कहता हूं। धन्यवाद। झूठी वीडियो वायरल की है और उसने उस वीडियो को तोड़ मरोड़ के उसने वायरल करने का काम किया है। मैं अपना इलेक्शन कमीशन का सम्मान करता हूं और पीछे भी करता रहा हूं और आगे भी मैं इलेक्शन कमीशन का सम्मान करूंगा। और जिस पत्रकार ने ये तोड़ मरोड़ के ये मेरी वीडियो वायरल की है वो झूठी है, मैं बिल्कुल ईमानदार से ये बात कहता हूं। धन्यवाद। जी हाँ, तो ये सफाई आई है सामने बख्शीश सिंह विर्क की। आपने देखा जिस तरीके से हमने सवाल खड़े किए हैं कि आप लोकतंत्र के महापर्व को लेकर, मतदान को लेकर, जनता को लेकर कैसे इस तरह का बयान दे सकते हैं, उसके बाद अब ये सफाई जारी करनी पड़ी है। बीजेपी से काफी तल्ख सवाल किए गए हैं और उसी के एवज में ये सफाई सामने आई है। ये एक बड़ा असर हमारी खबर का आप देख पा रहे हैं कि बख्शीश सिंह विर्क सामने आकर ये बोल रहे हैं कि तोड़ बरोड़ कर वीडियो को पेश किया गया है, ये वीडियो एडिट किया गया है और मैं कभी किसी की शुचिता पर कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूं और ये वीडियो पूरे तरीके से भ्रामक है, झूठा है। तो ये हरियाणा न्यूज की खबर का असर है कि आप बख्शीश सिंह विर्क की सफाई भी अब देख पा रहे हैं। तो हरियाणा न्यूज की एक खबर का असर और अपनी गलतियों का एहसास जरूर बख्शीश सिंह विर्क को, जिसके बाद ये सफाई उन्होंने दी है और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं सदैव सम्मान करता हूं इलेक्शन कमीशन का और जो भी वीडियो ये वायरल हुआ है ये वीडियो फेक है, झूठा है और इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये बीजेपी प्रत्याशी बख्शीश सिंह विर्क जो कि असंध से प्रत्याशी हैं, उनका ये बयान सामने आया है, अपने उस वीडियो पर उन्होंने सफाई दी है। और बीजेपी प्रवक्ता योगेश पिदानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी
आ रही है। असंध सीट से बीजेपी प्रत्याशी बख्शीश सिंह विर्क साहब का बयान सामने आया, जिसमें कह रहे हैं कि जहां मर्जी वहां वोट बटन दबा लो, निकलना कमल का फूल है क्योंकि पुर्जा फिट किया हुआ है। हालांकि उन्होंने इस पर अपनी सफाई दी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये विपक्षी बौखलाहट है, बिना बात के मतलब कोई ना कोई चीज छेड़खानी करनी जान के। इस समय हार चुकी है, बाकी विपक्ष कोई नाम नहीं रहा, बीजेपी हर तरफ से जीत रही है। और ये विपक्ष की भूमिका है, वो जान के कोई ना कोई उल्टी बात करके खेल को बिगाड़ना चाहती है। बिदानी साहब, अति आत्मविश्वास में भी तो कई बार उल्टे बयान निकल जाते हैं, क्या अति आत्मविश्वास में आपको लगता है कि बख्शी सिंह विर्क साहब ने यह बयान दे दिया है? बख्शी सिंह पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा गलत नहीं कह सकते। उन्होंने जो कहा होगा वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, वैसे नहीं कहते वो। बिदानी साहब, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब ये कह रहे हैं कि मजाक में कहा है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ही नहीं, हम किसकी बात माने? तो ये सिर्फ इस समय लड़ाई बहुत तेज है, वहाँ की दुनिया जो वहाँ का विपक्ष जो है वो किसी तरह बदनाम करना चाहता है। तो इसमें चिंता ना करो, बीजेपी 75 के पार होने वाली है। सर, हमें चिंता किस बात की है? चिंता तो आप लोगों की करनी चाहिए, क्योंकि जनता के बीच अगर इस तरह का मैसेज जा रहा है कि पहले से पुर्जा फिट है, तो जनता को निर्णय करना है, जनता को ही जवाब देना है, वो कल अपना जवाब देगी। बिदानी साहब, जनता को हमारे पे विश्वास है, जनता हमारे साथ है, जनता चाह रही है कि बीजेपी आए, तो इसी इन बातों पे अब कुछ नहीं पड़ा, ये आप लोग इसको ज्यादा मत दिखाएं तो अच्छा आपसे अनुरोध है। बिदानी साहब, आखिर ये जो बयान सामने आया, हम इस बयान को क्यों कर छुपाएं, आप ये भी बता दीजिए। क्या करें, आप उल्टा करोगे तो बयान तो सामने आएगा ना सर। ये बयान सामने आया तब तो हमने दिखाया है ना। आपने जो पुराना बयान दिखाया तो फिर उसके बाद अपना हाँ तो सफाई भी दी है। हमने पहले ही सवाल में आपसे पूछा है, आपको पहले ही ये हमने पहले बता दिया कि बख्शीश सिंह विर्क का बयान भी सामने आया है, इस पर उन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन हम पार्टी का मत भी तो जानना चाहेंगे। सफाई तो अपनी तरफ से दे दी है, लेकिन क्या इससे पार्टी की कोई किरकिरी नहीं हुई? क्या इन बातों से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता? पार्टी यही कहेगी कि बख्शीश सिंह गलत नहीं कह सकते, बस पार्टी उनके साथ खड़ी है, चाहे वो जो मर्जी बयान दे। बहुत शुक्रिया बिदानी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर योगेश बिदानी कह रहे हैं पार्टी का यही मानना है कि बख्शीश सिंह विर्क अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा आपने वो भी सुना, और उनकी सफाई उनको जारी करनी पड़ी है, जिस तरीके से हरियाणा न्यूज पर खबर लगातार चली है और उस खबर का असर हुआ है, और ऐसे में अब ये बड़ी खबर अब बन चुकी है। चलिए,